इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कल हमने डिराइव किया था डेरिवेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज। कल हमने डेरिवेशन की थी किसकी, डायमेंशंस की, फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए थे। आज हम करेंगे ऐसा यूनिट फाइंड आउट करेंगे किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसे हमने कल किया था वैसे ही हमने आज करना है दोबारा, बट इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऐसा ही यूनिट, उसमें हमने डायमेंशन फाइंड आउट की थी, उसका फॉर्मूला निकाला था, आज हम ऐसा यूनिट निकालेंगे। तो ऐसा यूनिट आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, योर फर्स्ट फॉर्मूला इज, आज हम निकालेंगे फॉर्मूला एरिया का। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एरिया का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। ब्रेड को भी किससे डिनोट करेंगे, एल से। तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब इसमें हमारे क्या नहीं है टर्म्स, मास और टाइम, तो हम मास को जीरो कर देंगे और टाइम को भी जीरो। तो हमने ये डायमेंशन इतना हमने कल कर लिया था। तो आज हमने क्या करना है, ऐसा यूनिट निकालनी है। हमने सेवन बेसिक यूनिट्स की थी, आज हम उसका ही यूज करेंगे। सेवन बेसिक यूनिट एमपीएस सिस्टम में हमने रीड की थी, वो क्या थी, एमपीएस सिस्टम में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, एंड एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब हमने क्या डिस्कस किया था कि एमपीएस सिस्टम में क्या होता है, इसको हम किसमें लिखते हैं, मास में, मास। के स्टैंड फॉर किलोग्राम, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो एमपीएस सिस्टम में हमने क्या स्टडी किया था, एम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास से, जो किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मास किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो इसको मास को हम किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 kg, इसकी पावर कितनी है, 0। लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, सॉरी इसका क्या आएगा, मीटर। लेंथ को किससे करते हैं, मीटर से, और टाइम को सेकंड से। तो लेंथ को हम किससे लिखेंगे, मीटर, 1 meter, और इसकी पावर कितनी है, 2, और टाइम को हम किससे लिखते हैं, सेकंड, इट मींस 1 s पावर 0। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, 1 k, समथिंग पावर 0, इट मींस समथिंग पावर 0 क्या मतलब होता है, 1। तो इसका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, 1 meter square 1 second power 0, समथिंग पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी टर्म 1 हो गई। तो हमारे पास क्या बच गया, मीटर स्क्वायर। ये हमारी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट हमने निकाली किसकी, एरिया की। तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज एम स्क्वायर, इट मींस मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, एरिया का हमने कल फॉर्मूला भी डिराइव किया था, किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को हमने किससे डिनोट कर दिया, एल से। ब्रेड्थ को भी किससे डिनोट कर दिया, एल से। सो एल इनटू एल इज एल स्क्वायर। सो बाकी की टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। भी हमारे पास ओनली क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, एल का स्क्वायर, बाकी दो टर्म्स हमारी 0 होगी, एम 0, एल 2, टी 0। तो एमपीएस सिस्टम में हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की क्या होती है, केजी। तो हमने क्या लिख दिया, मास को किससे राइट कर दिया, केजी के इक्वल, उसकी पावर कितनी है, 0, तो हमने 0 राइट कर दी। लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर, एमपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट हमने रीड की थी, क्या होती है, मीटर, 1 meter, इसकी पावर क्या है, 2, लेंथ की पावर 2, टाइम 0, इट मींस टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, 1 second power 0। तो समथिंग की पावर 0, कोई भी टर्म गिवन हो उसकी पावर 0 क्या होती है, हमारे पास वैल्यू 1, तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, 1 meter square। तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया हियर इज मीटर स्क्वायर। तो जैसे हमने कल किया था सेम वैसे ही करना है, बस इसको एमपीएस सिस्टम में इसकी यूनिट में यूनिट चेंज कर देनी है एमपीएस सिस्टम। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे वॉल्यूम का निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला वॉल्यूम का, हमने कल ही किया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट।
तो वो फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे इसी में. वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रीड किया था हमने, वॉल्यूम इसके इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था फॉर्मूला. लेंथ को किसके इक्वल रखेंगे, किससे डिनोट करते हैं लेंथ को, एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से. तो हम किससे डिनोट करेंगे, लेंथ को एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल से. तो थ्री टाइम्स है एल, तो इसको क्या लिख देंगे, एल की पावर थ्री. सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें टर्म्स कौन कौन सी नहीं है उसको हम जीरो ले लेंगे. मास जीरो, लेंथ हमारे पास थ्री टाइम्स है और टाइम भी क्या है, जीरो. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मास को हम किसमें, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. तो इसको भी लिखेंगे 1 kg पावर जीरो. नेक्स्ट लेंथ को किससे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर. 1 meter पावर क्या है, 3. और टाइम को किससे मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड. 1 s पावर 0. हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का, किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो हम इन लेंथ को किससे डिनोट किया, एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी. तो ये थ्री टाइम्स थी एल, तो इसको लिख दिया एल की पावर 3. अब इसमें हम थ्री टर्म यूज करते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. तो इसमें और ये एल की पावर 3 गिवन है हमें, और क्या क्या टर्म्स नहीं है, उस टर्म को हमने जीरो लिख दिया. एम की पावर 0, एल 3 हमने फाइंड आउट कर लिया और टाइम भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसकी पावर क्या रख दी, 0. अब हमने एमबीए सिस्टम में पढ़ा था, 7 बेसिक यूनिट्स भी पढ़ी थी एसआई की. उसमें भी क्या था, मास को एसआई यूनिट क्या है, मास की किलोग्राम. तो इसको हमने लिख दिया 1 kg. किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, kg. तो लेंथ को किससे मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर. इसको हम लिखते हैं एम. तो 1 meter पावर कितनी है, क्यूब. टाइम का 1 second. ऐसे यूनिट ऑफ टाइम है इज 1 second पावर 0. समथिंग पावर 0 अभी मैंने बताया क्या होता है, 1. तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1. तो क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू समथिंग पावर 0 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर क्यूब मींस मीटर क्यूब, अगेन समथिंग पावर 0 1. तो आंसर क्या आ गया, मीटर क्यूब. SI unit of volume is meter cube. तो ये भी सेम, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, इसके फॉर्मूला क्या है, तो आप इजीली इसको SI यूनिट सभी की फाइंड आउट कर सकते हो. सो नेक्स्ट अब हम करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला. डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने कल डिस्कस किया था, किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो वो अभी हम फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला. तो हम सभी की एसआई यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला लर्न है. डेंसिटी किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से. वॉल्यूम को किससे करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ये अभी फॉर्मूला हमने रीड किया, तो किसके इक्वल लिखेंगे, एल क्यूब के, एल क्यूब. तो इसमें अब मास गिवन है और दो टर्म्स गिवन नहीं है, तो उसको हम जीरो कर देंगे. इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, मास 1, लेंथ भी नहीं है तो ये भी 0, टाइम भी 0. जो टर्म नहीं है वो 0 कर देंगे और जो टर्म गिवन है उसकी पार के साथ लिख देंगे. अब इसमें क्या है, एल क्यूब. तो जो टर्म नहीं है, मास नहीं है और टाइम नहीं है, उसको हम 0 कर देंगे और हमने एल क्यूब एज इट इज लिख दिया. सो हम इसको जब सोल्व करेंगे, कल भी हमने ये सोल्व किया था, तो क्या आया था, एम की पार 1 डिवाइड बाई एम की पार 0. तो क्या आ जाएगा, 1 - 0. इसको ऊपर लेकर जाएंगे 0 को, तो क्या आ जाएगा, एम पार 1. इसका क्या आएगा, एम की पार 1, एल की पार, यहाँ 0 है, नीचे 3 है. जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ प्लस में, जब ऊपर लेकर आएंगे पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव. -3 टी, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0, तो टी ओवरऑल क्या हो गया, 0.
तो अब इसमें हम कह सकते हैं मास की यूनिट क्या होती है, केजी। यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो ये मास तो हमने लिख दिया 1 kg, इसकी पावर कितनी है 1। और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 meter पर माइनस जी। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, पावर 0। तो 1 kg पर 1 मीन्स केजी मीटर माइनस 3। समथिंग पावर 0 क्या होता है 1, तो मैंने क्या लिख दिया केजी मीटर माइनस 3। ऐसा यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी मीटर माइनस 3। तो ये होगी ऐसा यूनिट डेंसिटी। इसी तरह हम सभी फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें क्या पता है फॉर्मूला पता है तो हम इजीली ऐसा यूनिट सभी की फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्पीड की, ऐसा यूनिट स्पीड की निकालेंगे क्या होगी। स्पीड का भी हमें फॉर्मूला पता है क्या है, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, स्पीड किसके इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है। तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं एल से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एल से, टाइम को टी से। तो इसमें क्या क्या टर्म नहीं है उसको हम जीरो कर देंगे, और एल की पावर भी 1 है और टी की पावर भी 1 है, तो इसको बाकी टर्म्स को हम जीरो कर देंगे जो हमारे पास नहीं है। इट मीन्स एम जीरो हो जाएगा और टी जीरो, एल की पावर तो हमें गिवन है, एल तो दिया हुआ कितनी है 1। नेक्स्ट डिवाइड बाय टाइम की पावर कितनी है 1, बाकी एम की पावर 0 हो जाएगी और एल की पावर भी 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मास ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो ओवरऑल मास क्या हो गया 0। इसमें लेंथ 1 है ऊपर और डिवाइड बाय लेंथ 0, तो इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। टाइम ऊपर 0 है नीचे 1 है, पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा इसको सॉल्व करके, एम जीरो एल वन टी माइनस 1। तो अब इसमें मास को हम क्या लिखेंगे, मास को हमने हमने दो फॉर्मूलेस पढ़ लिए, तो उसमें हमने दो तीन फॉर्मूलेस पढ़ लिए, उसमें हमने मास को क्या लिखा केजी, लेंथ हमने किसमें लिखी है मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो लेंथ हम लिखेंगे 1 kg पार 0, लेंथ हमने लिखी है मीटर में 1 meter पार 1, एंड टाइम हमने लिखा है सेकंड में पार माइनस 1। समथिंग पार 0 इज 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर पार 1 1 सेकंड इनवर्स, तो इसको क्या आएगा आंसर एम एस माइनस 1। तो ये किसकी ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट होगी स्पीड। तो हमने क्या किया, फर्स्टली स्पीड का फॉर्मूला लिखा जो किसके इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल हम लिखते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, टाइम को टी से। तो इसमें जो टर्म नहीं है वो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो टर्म हमें गिवन नहीं है उसकी पावर हम जीरो कर देंगे, जो गिवन है उसकी पावर लिख देंगे। अब इसमें एल गिवन है मींस लेंथ गिवन है, हम थ्री टर्म्स यूज करते हैं मास लेंथ है टाइम। एल गिवन है, एल की पावर कितनी है 1, मास और टाइम गिवन नहीं है तो हमने उसकी पावर 0 लिख दी, और डिवाइड बाय टाइम की पावर हमें गिवन है 1, मास और लेंथ नहीं है तो हमने मास और लेंथ को 0 कर दिया, और टाइम की पावर कितना कितनी लिख दी 1। सो नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करते हैं, मास इधर भी 0 है मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, तो ओवरऑल मास कितना हो जाएगा 0, तो हमने लिख दिया एम 0। नेक्स्ट एल मल्टीप्लाई में 1 है और डिवाइड में 0, तो 0 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे 1 माइनस 0 हियर इज एल की पावर 1। सो नेक्स्ट टी 0 डिवाइड बाई टी माइनस 1, तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे 0 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में पावर कितनी है प्लस, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव।
तो हमारे पास क्या आया m0 l1 t माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या होता है केजी, 1 केजी। तो इसकी पावर कितनी है 0, तो हमने 0 राइट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंथ को किससे, इसकी यूनिट क्या होती है लेंथ की, मीटर, 1 मीटर। पावर क्या है 1, तो हमने 1 राइट कर दिया। टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, और पावर क्या है माइनस 1। समथिंग पावर 0 मींस, समथिंग पावर 0 मींस 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर एज इट इज, ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी। तो हमने इसको सॉल्व करके क्या लिख दिया मीटर सेकंड इनवर्स। तो ऐसे यूनिट स्पीड की क्या होगी मीटर सेकंड इनवर्स। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी का भी हमने कल फॉर्मूला राइट किया था, वो किसके इक्वल होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो भी अभी हम सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या आती है। नेक्स्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे राइट करते हैं एल से, टाइम को टी से, तो हम वो लिखेंगे एल बाय टी। अब इसमें भी हमें क्या गिवन नहीं है, ओनली लेंथ गिवन है, और डिवाइड कौन सी वैल्यू है टाइम। तो हम मास और टाइम को जीरो कर देंगे, एम जीरो एल वन टी जीरो डिवाइड बाय टाइम गिवन है, इट मीन एम जीरो मास और लेंथ को जीरो कर देंगे और टाइम हमें गिवन है वन। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाई में भी जीरो है डिवाइड में भी जीरो है, तो ओवरऑल मास कितना हो गया जीरो। सो नेक्स्ट लेंथ वन है और डिवाइड में कितनी है जीरो, तो जीरो को जब हम ऊपर लेकर आएंगे लेंथ क्या हो जाएगी वन, टाइम इधर क्या है जीरो डिवाइड बाय टाइम टी क्या है वन, ऊपर लेकर आएंगे पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा एम जीरो, क्योंकि ओवरऑल एम की एम क्या है जीरो, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, तो एम कितना आ गया जीरो, एल की पावर ऊपर वन है नीचे जीरो है, तो जब इसको जीरो को ऊपर लेकर आएंगे तो वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, तो एल वन और टाइम की क्या आ जाएगी ऊपर जीरो है नीचे वन है, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि नीचे क्या है प्लस वन, जब इसको ऊपर लिखते हैं तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। सो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम मास को किस में राइट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 केजी, पावर क्या है इसकी 0, लेंथ को हम किस, इस लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो 1 मीटर पावर 1, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, 1 सेकंड पावर माइनस 1। तो इसमें भी क्या है समथिंग पावर 0 इज 1, सो हमारे पास क्या बचा 1 मीटर की पावर 1 इंटू 1 एस पावर माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर पावर 1 इंटू 1 एस पावर माइनस 1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया एम एस माइनस 1। तो उसमें भी हमने देखा था जो हमने डायमेंशन फाइंड आउट की थी कल, डेरिवेशन की थी, उसका फॉर्मूला निकाला था स्पीड और वेलोसिटी का, वो भी सेम आया था। अब इसमें भी क्या ऐसे यूनिट्स दोनों की क्या आई है सेम, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम है स्पीड और वेलोसिटी का। तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसकी ऐसा यूनिट होगी वेलोसिटी की, सेम वही जो हमने स्पीड की निकाली थी सेम किसकी निकाल दी वेलोसिटी। सो दोबारा देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे डिनोट किया एल से, टाइम को किससे लिखा टी से। सो इसमें कौन कौन सी टर्म्स नहीं है, एम एम और टाइम नहीं है, तो इसकी पावर हमने जीरो लिख दी, एल की पावर कितनी है वन हमें दी हुई है। नेक्स्ट टाइम हमें गिवन है, टाइम की पावर कितनी है वन, तो टाइम की पावर हमने वन लिख दी, बाकी दो टर्म्स को जीरो कर दिया। अब मास हम देखेंगे, मास अब मल्टीप्लाई में भी डिवाइड है और मल्टीप्लाई भी में भी टर्म जीरो है, डिवाइड में भी जीरो है, तो ओवरऑल मास कितना हो गया जीरो, लेंथ ऊपर भी वन है और नीचे कितनी है जीरो, तो जीरो को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये वन माइनस जीरो हो जाएगा, वन माइनस जीरो इज वन, तो लेंथ क्या होगी वन,
टाइम जीरो मल्टीप्लाई में जीरो डिवाइड में क्या है वन। तो जब ऊपर लेकर आएंगे पावर ये प्लस है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस वन। तो मास को हम किससे, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, तो इसका सिंबल क्या होता है किलोग्राम का केजी, तो हमने लिख दिया वन केजी पावर जीरो। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, वन मीटर पावर क्या है वन, तो हमने वन राइट कर दिया। टाइम को किससे लिखते हैं, टाइम ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड, जिसका सिंबल है एस और उसकी पावर क्या है माइनस वन। किसी की भी पावर जीरो हो तो उसको हम लिखते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है वन की, समथिंग पावर जीरो इज वन, तो इसको हमने वन राइट कर दिया। मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म्स हमने एज इट इज ही राइट कर दी, तो हमारे पास ऐसा यूनिट क्या आ गई वेलोसिटी की मीटर सेकेंड इनवर्स, जो किसके इक्वल है स्पीड की। नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला अब हम करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हमने कल ही डिस्कस किया था, ये सभी हमने जो जब डायमेंशंस निकाले थे सभी हमने इसके फॉर्मूलाज निकाले थे, वैसे आज हमने करना है, बस इसकी हमने ऐसा यूनिट्स निकालनी है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, किसके इक्वल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला हम इसमें पुट करेंगे, वन बाय टाइम एज इट इज इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम इनटू टाइम हियर इज टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे राइट करते हैं एल से, और टाइम को हम किससे राइट करते हैं टी से। तो हम इसमें क्या राइट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम राइट करेंगे एल से और टाइम को टी से, टाइम स्क्वायर इट मींस टी स्क्वायर। अब इसमें कौन कौन सी टर्म नहीं है, इसमें एल गिवन है तो कौन कौन सी टर्म नहीं है उसको हम जीरो कर देंगे, उसके बाद एम जीरो एल वन टी जीरो डिवाइड बाय टी की पावर टू है, अब इसमें टी की पावर कितनी है टू, तो इसमें क्या क्या जीरो कर देंगे टर्म, मास को जीरो कर देंगे और लेंथ को जीरो। तो हमारे पास क्या बचा इसको सोल्व करके, मास ओवरऑल जीरो है तो क्या रह जाएगा जीरो, एम जीरो एम जीरो, लेंथ क्या हो जाएगी वन, क्योंकि नीचे जीरो जब उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस जीरो इज जीरो। तो टाइम इधर कितना है जीरो, नीचे कितनी है टू, तो पावर क्या है प्लस, जब ऊपर लेकर आएंगे पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो क्या आया हमारे पास एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो मास की ऐसे यूनिट मास का क्या है वन केजी, वन केजी पावर कितनी है जीरो इंटू लेंथ की पावर कितनी है वन, ऐसे यूनिट लेंथ की क्या होती है मीटर, वन मीटर पावर वन, और टाइम की क्या होती है वन सेकेंड पावर माइनस टू। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, अभी मैंने बताया किसी भी टर्म की पावर जीरो हो तो उसको हम क्या राइट करती हैं वन, तो वन के जी पावर जीरो है तो इसको हम क्या राइट करेंगे वन, वन के जी की पावर जीरो है तो इसको हम क्या राइट करेंगे वन, वन मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्या है वन मीटर पावर वन, वन मीटर पावर वन नेक्स्ट वन सेकेंड पावर माइनस टू, तो इसका क्या आएगा मीटर सेकेंड माइनस टू। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ रही है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड माइनस टू, तो ये हमारी एसआई यूनिट एक्सेलरेशन। फर्स्टली
हमें क्या किया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था जो किसके इक्वल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। देन वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इसके इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो किसके इक्वल आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास टाइम एक पहले ही गिवन था, तो टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे राइट किया, एल से, और टाइम को टी स्क्वायर से। तो इसमें जो टर्म्स नहीं है हम उसका क्या करते हैं, उसको जीरो कर देते हैं उसकी पावर। तो इसमें एल गिवन है, इट मींस एल की पावर वन, बाकी दो टर्म्स को हमने क्या कर दिया, उसकी पावर को जीरो कर दिया, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, इट मींस टाइम का स्क्वायर है और बाकी दो टर्म्स हमारे पास जीरो है। तो मास ऊपर वाले मल्टीप्लाई में भी जीरो है, डिवाइड में भी जीरो है, तो ओवरऑल मास हमारा कितना हो गया, जीरो। नेक्स्ट एल वन डिवाइड बाई एल जीरो, तो जब हम इसकी पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो, एल लेंथ कितनी आ जाएगी वन, तो टाइम जीरो डिवाइड बाई टी टू। तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे जीरो माइनस हो जाएगी पावर, क्योंकि ये प्लस टू है, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो टी की पावर माइनस टू। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पावर कितनी है, जीरो। नेक्स्ट इसकी लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, वन मीटर, पावर कितनी है वन। टाइम की कितनी है एसआई यूनिट, सेकंड, इसकी पावर कितनी है माइनस टू। किसी भी टर्म की अगर पावर जीरो होती है तो उसको हम किससे राइट करते हैं, वन से, वन वन मल्टीप्लाई वन मीटर पावर वन, वन सेकंड की पावर माइनस टू। तो ये हमने एज इट इज ही राइट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर सेकंड माइनस टू। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट हम एसआई यूनिट निकालेंगे प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट निकालेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला भी हमने कल डिस्कस किया था, क्या था प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये कल मैंने डिस्कस किया था कि हमें फोर्स की पता होनी चाहिए, डायमेंशंस क्या होती है, तो हम इजीली डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। फोर्स की कल हमने डायमेंशंस लर्न की थी, वो क्या थी, m1 l1 t की पावर माइनस टू। अगर आपको डायरेक्ट डायमेंशन लर्न है तो आप सीधा इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं निकालने की बजाय। अब हमें लर्न थी फोर्स की, तो हमने डायमेंशन डायरेक्टली पुट कर दी। अब एरिया की क्या होता है फॉर्मूला, एरिया का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट मींस एल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एल स्क्वायर। तो इसमें क्या जीरो है, मास जीरो है। नेक्स्ट लेफ्ट में कर लूं m1 l1 t की पावर माइनस टू, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, l2 है, तो इसमें कौन कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी, मास जीरो और टाइम भी जीरो। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई विद मास क्या है, वन डिवाइड बाय मास कितना, जीरो। तो वन माइनस जीरो मास क्या हो जाएगा, मास की पावर क्या हो जाएगी, वन। एम वन लेंथ ऑफ, ऊपर वन है नीचे टू है, तो टू को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस टू, आंसर क्या आएगा, माइनस वन। टी की पावर माइनस टू माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगी, माइनस टू। नेक्स्ट m1, ये l ऊपर वन था नीचे टू था, जब इसको ऊपर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगी, तो वन माइनस टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं,